नमस्कार। सहजन के पेड़ के पत्ते, सहजन जिसकी सहजन फली होती है, सींग की फली होती है जो हम दालों में भी डालते हैं, खाते हैं, उसके पेड़ के पत्ते जिसको मुरिंगा लीव्स भी कहते हैं, इनका सेवन पूरे भारत में पारंपरिक रूप में एक हम्बल सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। अब दुनिया भर में ये मोरिंगा लीव्स या सहजन की पत्तियों को एक सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। मैंने देखा है गांव के लोग मोरिंगा लीव्स खाते हैं, लेकिन उन्हें इन पत्तों के अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कुछ भी खास पता नहीं है। मोरिंगा के पत्तों के हाई न्यूट्रिशन गुण माल न्यूट्रिशन से पीड़ित लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। क्या आप जानते हैं मोरिंगा लीव्स खाने के कितने अद्भुत फायदे हैं? जैसे कि आपकी इम्यूनिटी मोरिंगा लीव्स से बढ़ती है क्योंकि इसमें विटामिन सी अतिरिक्त मात्रा में होता है और आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। मोरिंगा लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और विटामिन ए, ये सब काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी बढ़ाता है। दूसरा, डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए मोरिंगा लीव्स रोज खाने से बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि ये पत्ते एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर होते हैं जो शरीर में नेचुरल इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को कम करते हैं। तीसरा, मोरिंगा लीव्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और शरीर के वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। मोरिंगा लीव्स खाने से आपकी पेट की चर्बी आसानी से कम हो जाती है और आपके शरीर का जो फैट है वो अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मोरिंगा लीव्स में भरपूर मात्रा में विटामिन बी होता है जो आपकी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा बनाता है और हमारे भोजन को फैट के रूप में जमा करने के बजाय एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। चौथा, मोरिंगा लीव्स खाने से आपकी हेयर फॉल की समस्या भी दूर हो जाएगी। इन पत्तियों में एमिनो एसिड भरपूर होता है जो सेल्स का निर्माण करते हैं और बालों के फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे बाल काफी कम झड़ते हैं। इतना ही नहीं, मोरिंगा लीव्स प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और अन्य विटामिन से भी भरपूर होते हैं जिससे आपका शरीर मसल मास का निर्माण कर सकता है और चोट लगने पर तेजी से हीलिंग भी कर सकता है। मोरिंगा लीव्स आपके बोन्स और जॉइंट्स को स्वस्थ रखने के लिए भी काफी लाभदायक है। मोरिंगा लीव्स आपके शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल देता है और इसी रीजन से ट्रॉपिकल मेडिसिन्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप मोरिंगा लीव के पाउडर का उपयोग हैंड सोप की तरह भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। ये आसानी से उगने वाले मोरिंगा ट्री आमतौर पर ट्रॉपिकल देशों में पाए जाते हैं जहां मोरिंगा लीव्स को कच्चा या पकाकर खाया जाता है। उन्हें कभी कभी छांव में सुखाया जाता है और पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। ऐसा करने से आप इसे लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जहाँ मोरिंगा के पेड़ नहीं उगते वहाँ मोरिंगा लीव्स को पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट्स, टी बैग्स, इन सब फॉर्म्स में काउंटर पर बेचा जाता है। मोरिंगा लीव्स या पाउडर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसे दिन में कभी भी या खाली पेट भी खा सकते हैं। जो लोग सुबह में ही मोरिंगा का सेवन करते हैं वे पूरे दिन में हाई एनर्जी लेवल मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप मोरिंगा लीव्स रात में लेते हैं तो ये आपके शरीर को तेजी से हील होने और हेल्दी बनने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं कि आपके आसपास मोरिंगा का पेड़ है तो आप सीधे पेड़ से ही ताजी पत्तियां तोड़ें और इन्हें कच्चा खाएं या आप उनका ताजा जूस बना लें और इसको चाय, सूप, करी, दाल या सैलेड में मिलाएं। केरला में थोरन नामक एक लोकप्रिय स्टर फ्राइड वेजिटेबल डिश बनाते हैं जहां वो कोथमीर लीव्स की जगह, कोरिएंडर लीव्स की जगह कच्चा मोरिंगा लीव्स को काटकर
ऊपर छिटकते हैं। अगर बेकिंग में मोरिंगा पाउडर का उपयोग किया जाता है तो ये आपके पके हुए खाने की डिश को एक हरा रंग दे सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मोरिंगा या सहजन के पत्तों का सेवन नॉर्मल फूड के रूप में भी किया जा सकता है और साथ ही ये काफी अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी भी मोरिंगा लीव्स का उपयोग नहीं किया है तो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और अच्छी सेहत पाने के लिए अपने डेली डाइट में मोरिंगा लीव्स को शामिल करें। तो ये मोरिंगा लीव्स, ये सहजन के पत्ते और सहजन की फली, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। घरों घरों में इसका उपयोग करते हैं, मगर कभी कभार हम इसका उपयोग करते हैं। अगर आप रोज इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। देख लीजिए कितने फायदे होते हैं, तो बस इसका उपयोग ज़रा बढ़ाएं और करना शुरू करें। नमस्कार।